मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं हिंदी में ब्लॉग बनाने वाली हूँ। पता नहीं मुझे बोलना आएगा भी नहीं, आएगा कि नहीं देखना आप लोग जरूर, लेकिन मेरा ट्राई रहेगा हिंदी में ब्लॉग बनाने का। अभी संडे, आज संडे, हम लोग उठ के भी चाय वाय पीने अपने खाना बनाने वाली हूँ। सादा था कब से नौन लगे मजा हाथ तक कब से ना धोकर भी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं नहीं हूँ। अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ। आप सभी को आज मैं हिंदी में ब्लॉग करके एंटरटेन करूँगी। अभी मैं दुकान जा रही हूँ सौदा करने के लिए। दुकान से सामान लेके आ रही हूँ। आज लाइट नहीं है। अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ पनीर चटनी। मेरा पनीर चटनी रेडी हो चुका है। ये बेडशीट अभी बेडशीट है ना, बेड मैट अभी हमने एक भैया से रखा है। कितना अच्छा दिख रहा है ना हमारे बेड पर। वाव, सोने का मन कर रहा है। मेरा दाल भी रेडी हो चुका है। अब मैं खाना बनाने वाली हूँ। सिर्फ माम ही दे। अब मैंने कपल भी धो लिया। अब हम खाएंगे सुबह के खाना, जो आप लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट, हम बोलते हैं खाना। हमारा परिवार है और हम आप खा रहे हैं भात माने ब्रेकफास्ट यहाँ पर। अब संडे भी खत्म होने वाला है। संडे इतना जल्दी बीत जाता है। आखा जी भी संडे का आया। आज हम लोग बना रहे हैं खीर। हिंदी में खीर लगे खीरे बता हिंदी में। अब हम बनाने वाले हैं खीर और आलू दम। संडे स्पेशल हुई है खीर से। ए सॉरी, यहाँ नेपाली बोली बैठे। आज अभी हमने चावल को पानी में डुबा कर रखे है। उसके बाद दूध को मालना है और उसमें चावल डाल के हल्के आंच में पकाना है। ये खीर की मसाला मसाले की मसाला मसाला तो हम बना रहे हैं आलू दम। इसके बाद बनाएंगे खीर। खीर के लिए दूध रेडी पर खाएंगे और फिर सो जाएंगे। क्या है, क्या कहना, क्या है हाँ? हिंदी में बोलूँ बने, सॉरी हिंदी में बोलने के लिए कहा, तब से तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो। तो ये बात कर सकती तो बोलो। ये आलू दम बनाने के बाद मिल्क को उबालना पड़ेगा, उसमें चावल डालना पड़ेगा और उसे पकाना पड़ेगा। उसमें कोकोनट, आमंड, कैस्क्यू और क्या डाल दिए, लौंग, इलायची सब कुछ डाल के मेन एक बात तो तुम भूल गई। और वो भी वो क्या ड्राई डालना भी डालना पड़ेगा। तुम अभी तक भूल रही हो। एक चीनी भी डालना पड़ेगा। विदाउट चीनी का खीर तो फिर चावल इतना ही, क्योंकि हम तीन लोग ही तो है। खीर इज ऑलमोस्ट रेडी। खाई दी। हम खाने वाले हैं खीर। हमने खीर भी खा ली। अब आज के वीडियो में यही एंड करना चाहूँगी। मेरा हिंदी बहुत ही बुरा है, फिर भी आप यहाँ तक मेरे साथ देने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। कैसा भन्नु नहीं त्यसै बोल्छस्? तल देख्दा हाँसु रहेछ किन?
यहाँनिर हाम्रो चाहिँ ड्रिम क्याचरको बिजनेस हुन्छ नेपाली भन्ने. तपाईँहरूलाई इफ ड्रिम क्याचर चाहिएको छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई ड्रिम क्याचर कस्तो कस्तो डिजाइनको चाहिन्छ, हामी तपाईँहरूको घरसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छौँ. दाम चाहिँ रिजनेबल छ, यसको प्याटर्नहरू हेरेरै पनि अब कति दुःख छ यसो तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ. त्यही अनुसारले दाम पनि राखेका छौँ. तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको घरसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छौँ. होइन भाषा मात्रै के बोल्न आजकै भिडियो नै देख्दै रहे, सुन्तु सुन्तुको साथ लगेर रहे. थ्याङ्क यू सबैजनालाई.